नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाते हुए भारत में बुधवार यानी कि आज से 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज देने के लिए अब तक लागू कोमॉर्बिडिटी वाली शर्त को भी बुधवार से खत्म कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब देश का हर वरिष्ठ नागरिक प्रिकॉशन डोज लगवा सकेगा। भारत में भले ही कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। 16 मार्च यानी कि आज से 12 से 14 उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के साथ साथ 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। अपील करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हर बार की तरह इस बार भी वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप या पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों और 60 आयु से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जारी हुई जानकारी के मुताबिक बच्चों को हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोर्बीवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे वो वही वैक्सीन होंगे जो उन्हें पहले लगाई जा चुकी है। विदेशों की बात करें तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। चीन और यूरोप के कई देशों में संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया कदम काफी महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों के टीकाकरण की बात करें तो इससे पहले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज डिब्रूगढ़ के चौकीडिंगी खेल मैदान के समीप कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने वर्तमान असम की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नेताओं ने सरकार के विरोधी कार्य को रोकने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के चौकीडिंगी खेल मैदान के समीप विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरसीपीआई और असम जातीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान असम की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार की जमीन रेलवे को देने के बाद अब पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती है। साथ ही पेपर मिल खोलने को लेकर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विरोध जताया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार की जमीन जो रेल विभाग पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है वो सरकार को लौटा दे। नेताओं ने सरकार के विरोधी कार्य को रोकने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। अब क्या हो रहा है, असम का जो रेलवे का जो लैंड है वो असम सरकार ने जो अपने पास रखना चाहिए था रेलवे, उसको जो बिजनेसमैन है बोनिया गुस्ती है उसको विदाउट कंसाइनमेंट, विदाउट कंसाइनमेंट ऑफ द मतलब असम की गवर्नमेंट की बात नहीं सुन के उसको बोनिया को बिक्री करने के वो जो बात कर दिया। इस प्रोटेस्ट में हम लोग असम के जो बीजेपी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है वो सरकार को हम लोग डिमांड कर रहा है कि ये माटी अपने पास रखिए, यदि रेलवे का काम नहीं चल रहा है उस माटी पर उस माटी असम गवर्नमेंट खुद ले लीजिए और असम की जो लैंडलेस पीपुल है उन लोगों को समझा दीजिए। यही हम लोग का मेन डिमांड है। और फिर जो हम लोग का दो पेपर मिल है वो उस पेपर मिल को जल्द से जल्द कंजकम करिए और जो भी एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का पुनः स्थापन करिए, यही हम लोग का डिमांड है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज फ्रांसीसी चित्रकार रोजा बोनहेर का 200वां जन्मदिन है। इस खास अवसर पर गूगल ने स्पेशल डूडल बनाया।
रोजा बोनेर के सफल करियर ने कला क्षेत्र में महिलाओं की भावी पीढ़ी को प्रेरित किया। आज गूगल अपने अनोखे अंदाज में रोजा बोनेर का 200वां जन्मदिन मना रहा है। गूगल ने 16 मार्च यानी कि आज के दिन शानदार एनिमेटेड डूडल के जरिए जाने माने चित्रकार रोजा बोनेर को याद किया है। दरअसल फ्रांसीसी चित्रकार रोजा बोनेर की आज 200वीं जन्म जयंती है। उनके जन्मदिन को गूगल ने भी अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया है। गौरतलब है कि रोजा के करियर ने कला में महिलाओं की भावी पीढ़ी को काफी प्रेरित किया है। रोजा बोनेर का जन्म 16 मार्च 1822 को फ्रांस के बोर्डो में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें प्रारंभिक कलात्मक शिक्षा दी थी। उनके पिता एक साधारण लैंडस्केप पेंटर थे, लेकिन कला के क्षेत्र में उनकी आकांक्षाएं उस समय की महिलाओं के लिए अपरंपरागत थी। बताया जाता है कि स्केचेस को कैनवस पर उतारने से पहले बोनेर काफी बारीकी से उसका अध्ययन करती थी। उनके जन्मदिन को गूगल ने भी काफी खास अंदाज में आज सेलिब्रेट किया है। गूगल ने आज के डूडल में ग्राफिक्स के कैनवस पर भेड़ के झुंड को चित्रित करते हुए रोजा बोनेर की एक एनिमेटेड तस्वीर शेयर की है। गौरतलब है कि 1840 में बोनेर की प्रतिष्ठा पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में बढ़ी थी। 1841 से लेकर 1853 तक उनके कई कार्यों को पेरिस सैलून में प्रदर्शित किया गया। 1853 में ही अपनी पेंटिंग द हॉर्स फेयर के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी, जिसमें पेरिस में आयोजित घोड़े के बाजार को दर्शाया गया था। उनके सबसे फेमस काम के रूप में ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित है। इस पेंटिंग के लिए 1865 में फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने बोनेर को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बोनहेर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 16 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1942 में V-2 रॉकेट का लॉन्च किया गया था, लेकिन उसी दौरान इसमें ब्लास्ट हो गया। 1958 में भारतीय थल सेना के 27वें सेनाध्यक्ष रहे बिपिन रावत का जन्म हुआ था। 1976 में 8 सालों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे हैरल्ड विल्सन ने त्याग पत्र देकर सबको चौंका दिया था। 1990 में मिस्र में चीपोस के पिरामिड में 4400 साल पुरानी ममी मिली थी। 1995 में नासा अंतरिक्ष यात्री नॉर्मन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी बने थे। 1998 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन अगले कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। 1999 में फैंटम जैसे हास्य चरित्र के जनक लियोन ली फॉक का निधन हुआ था। 2003 में ग्रीन स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कप्तान बने थे। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने सुपाचई पानी चपकड़ी को अंकटाड का नया अध्यक्ष नामांकित किया था। 2007 में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गीत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और आज के दिन सन 2008 में वेन जियावाओ को दोबारा चीन का प्रधानमंत्री चुना गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।